everyone, I hope you all are doing well. आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 9 टू सेक्शन 13 ऑफ BNS. इससे पहले के सेक्शन की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं. सेक्शन 9 हमें बताता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस. देखो सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है, वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स. जहां पर कोई भी चीज ऑफेंस है और वो कई सारे पार्ट्स को मिलाकर के बनी है. एनी ऑफ विच पार्ट्स इज इटसेल्फ एन ऑफेंस. कोई एक ऑफेंस है और उसके कई सारे पार्ट्स हैं और उसका हर एक पार्ट ऑफेंस है. ठीक है, देखो कोई एक ऑफेंस है. ठीक है, मान लो कि कोई ऑफेंस है, ठीक है, वो कई सारे पार्ट से मिलकर के बना है. इतने सारे पार्ट से मान लो मिलकर के बना है. ठीक है, और उसका हर एक पार्ट यानी कि ये भी ये भी ये भी ये भी ये पूरे ही ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, उसका एक एक पार्ट एक ईच पार्ट भी ऑफेंस की कैटेगरी में आता है. ठीक है, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच ऑफेंसेस. तो ऑफेंडर को पनिश नहीं किया जाएगा, हर पार्ट के लिए पनिश नहीं किया जाएगा उसे. कि मान लो इस पार्ट के लिए भी पनिश कर रहे हैं, इस पार्ट के लिए भी पनिश कर रहे हैं, इस पार्ट के लिए भी पनिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाएगा. हर एक पार्ट के लिए उसे पनिश नहीं किया जाएगा. अनलेस इट इज सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड. अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है कहीं किसी सेक्शन में तो आप इस पार्ट के लिए भी कर दो, इस पार्ट के लिए भी कर दो, इस पार्ट के लिए भी कर दो. लेकिन अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है तो हम उसे अलग अलग पार्ट के लिए ना पनिश करके एक ऑफेंस के लिए पनिश करेंगे. ठीक है, अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है. सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए कहता है एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन वन और मोर सेपरेट डेफिनेशन. कोई भी चीज एक ऑफेंस है जो कि दो या दो से ज्यादा सेपरेट डेफिनेशंस में फॉल कर रही है. ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग बाय विच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और पनिश्ड. ये तो क्लॉज ए हो गया, पहला केस हमारा. और several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offence, constitute when combined a different offence. several acts जो हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा more than one जो हैं खुद एक offence बना रहे हैं. ठीक है, और उनको जब हम combine कर दे रहे हैं, ठीक है, जब हम उनको combine कर दे रहे हैं तो वो एक different offence ही बन जा रहा है. ठीक, तो the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any of such offences. तो दोनों ही केस में जो है उसको एक ज्यादा सिवियर पनिशमेंट हम नहीं देंगे. हम कह सकते हैं कि लेसर पनिशमेंट देंगे उसे, ये हम जरूर कह सकते हैं. यहाँ पे उन्होंने कहा नॉट मोर सिवियर पनिशमेंट, तो ये तो एकदम टेक्निकल भाषा हो गई. ठीक है, तो अगर हम इसे सिंपल समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि लेसर पनिशमेंट आप दो. ठीक है, आप लेसर पनिशमेंट दो. आप इलस्ट्रेशंस पढ़ लो ताकि अच्छे तरीके से और चीजें समझ में आ जाएं. सबसे पहला जो इलस्ट्रेशन ए है वो ये कहता है ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक. ए ने जो है जेड को 50 बार मारा एक स्टिक से. ठीक है, 50 बार जो है उसके सर पे मारा. अब सर पे तो इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन मान लो कि सर पे मारा. ठीक है, ए मे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू जेड बाय द होल बीटिंग. ए ने जो है हम कह सकते हैं ऑफेंस कमिट किया है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट का. वॉल्ट्री कॉजिंग हर्ट जो उसने जेड को किया है पूरी अपनी बीटिंग से. ठीक है, एंड ऑल्सो बाय ईच ऑफ द ब्लोज विच मेक अप द होल बीटिंग. ठीक, चाहे हम होल बीटिंग के लिए कह लें, चाहे हम होल बीटिंग के लिए कह लें कि उसने वॉल्ट्री कॉजिंग हर्ट किया, या अगर हम अलग अलग भी देखेंगे तो भी हम कह रहे हैं उसने कुछ ना कुछ ऑफेंस किया है. ठीक है, जो पूरी बीटिंग को बना रहा है. If A were liable to punishment for every blow, he might be imprisonment for 50 years. अगर हम कहें कि उसको हर एक चीज के लिए, हर एक पार्ट के लिए अगर हम उसे सजा दे, हर एक लाठी के लिए, हर एक स्ट्रोक के लिए अगर हम उसे सजा दे, तो ऐसे तो 50 साल की सजा हो जाएगी. भाई वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट में एक साल की सजा दी गई है हमें, तो ऐसे तो 50 साल की सजा हो जाएगी. तो ऐसा नहीं करना है हमें, यही हमें जस्टिफाई कर रहा है सबसेक्शन 1 में जो बात लिखी हुई है. ऐसा नहीं करना है कि हम इस लाठी के लिए भी दे रहे हैं, हम इस लाठी के लिए भी दे रहे हैं, और हम इस लाठी के लिए भी दे रहे हैं. हम पूरी चीज को देखेंगे और उस ऑफेंस की पनिशमेंट देंगे, और उस ऑफेंस की पनिशमेंट हम देंगे. सो बट ही इज लाइबल ओनली टू वन पनिशमेंट फॉर द होल बीटिंग. पूरी बीटिंग के लिए एक चीज के लिए वो लाइबल होगा. ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी. अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है. इलस्ट्रेशन बी कहता है बट इफ ए इज बीटिंग जेड, मान लो कि ए जेड को मार रहा था, उस वक्त वाई ने इंटरफेयर कर दिया. भाई वाई ने आके कोई पंचायत कर दी वहां पर. ठीक,
एंड ए इंटेंशनली स्ट्राइक्स वाई, और ए जो है अब वाई को भी उसने मारा। भाई तुमने क्यों आकर के बीच में पंचायत की, मतलब ए का कहना था तुम मैं उसको मारा तो तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी, वो बीच में आया तो उसने उसको भी मारा। ठीक, Here, as the blow given to Y is no part of the act whereby A voluntarily causes hurt to Z. यहाँ पर जो Z को मार पड़ी वो तो वो अलग है, Y को जो मार पड़ी वो अलग है। ठीक, A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z. तो एक तो पहली बात हो गई कि A liable है voluntarily cause उसको hurt cause करने के लिए Z को, and to another for the blow given to Y, और उसको एक मारा तो उस Y के लिए अलग उसको लाइबल किया जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात जो है इसमें बताई गई है। देखो बहुत ज्यादा जैसे सवाल पूछा जाता है अगर आप जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें सवाल, ये जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको इलस्ट्रेशन ए बताया ना, इससे पूछा जाता है। ये एज इट इज आपको दे देते हैं और फिर उसके बाद आपसे पूछते हैं कि इसमें आगे क्या होगा, तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, देन पनिशमेंट ऑफ पर्सन, सेक्शन 10 हमें बताता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा कि किसके लिए हम जो है इसको डाउटफुल है कि हम इसके लिए पनिशमेंट दे दें या उसके लिए पनिशमेंट दे दें, किस चीज के लिए दे दें पनिशमेंट। तो कहता है सेक्शन 10 ने दुविधा दूर करी, सेक्शन 10 ने कहा इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट द पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट, जहां पर ये पता करना है कि एक पर्सन जो है सेवरल ऑफेंसेस के लिए लाइबल है, पनिशमेंट किस तरीके से दी जाए, लेकिन डाउटफुल है ऑफ विच दीज ऑफेंसेस ही इज गिल्टी, लेकिन कोर्ट डाउटफुल है कि किस ऑफेंस के लिए जो है वो पर्सन गिल्टी है। द ऑफेंडर शैल बी पनिश फॉर द इम्प्रिजनमेंट फॉर विच द लोवेस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इफ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। तो उसको पनिश किया जाएगा फॉर द लोवेस्ट पनिशमेंट, यानी कि लोवेस्ट पनिशमेंट दी जाएगी। जहां पर ये बात समझ में नहीं आ रही है जजमेंट देते वक्त कि इसने तो कई सारे ऑफेंस किए हैं, डाउटफुल है कि कौन सा ऑफेंस किया है कौन सा नहीं किया है, तो ऐसे में जो लोवेस्ट पनिशमेंट होगी वो उसको दी जाएगी। बस इतनी सी बात जो है सेक्शन 10 में कही गई है। इट इज नॉट अ वेरी पॉपुलर सेक्शन अमंग जुडिशरी, तो स्किप नहीं करना है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ता है लगभग सब कुछ प्री के लिए। आप नहीं देखो मेंस के लिए क्या सीन है ना कि एक एक पर्टिकुलर ग्रे एरिया है और वहीं से सवाल बन जाएंगे आपके, आपको पता है कि आपको उतना याद करना है, उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, लेकिन आप प्री के लिए कुछ भी एंटिसिपेट ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि अब जो है रिसेंटली काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं आपके पेपर बनने के तरीके में, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमें सेक्शन 11 में दिया हुआ है। सेक्शन 11 कहता है व्हेनेवर, पहले तो ये समझो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है, हम सेक्शन में नहीं जाएंगे पहले। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक तरीके का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, मतलब कठोर कारावास है। ठीक है, उसमें काम भी कराया जाता है, सब कुछ होता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को अगर हम हिंदी में देखें तो इसको एकांत कारावास कहा जाता है। ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज अ टाइप ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ओनली, बट अगर हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को ऐसे देखेंगे तो इसको एकांत कारावास कहा जाता है, यानी कि जैसे हम कहें तो ऑफेंडर को काल कोठरी टाइप की जगह पर डाल दिया जाता है जहां पर वो किसी के भी कॉन्टैक्ट में नहीं होता, जैसे कि बाकी और जो ऑफेंडर्स वो रहते हैं जेल में वो उन लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं होता है। ठीक है, उसको एक ऐसी जगह पर एकदम आइसोलेट कर दिया जाता है। तो देखो Whenever any person is convicted for an offence for which under this Sahita the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may, जहां पर court के पास power है कि rigorous imprisonment दे सकती है, तो rigorous imprisonment में court solitary confinement भी उसको दे सकती है। The court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement, the court order कर सकती है कि इस offender को जो है आपको एकांत कारावास में रखना है। फॉर एनी पोर्शन और पोर्शन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, किसी एक पोर्शन के लिए या कई सारे पोर्शन के लिए उस इम्प्रिजनमेंट के, ठीक है, फॉर विच ही इज सेंटेंस्ड नॉट एक्सीडिंग 3 months इन अ होल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल, 3 महीने से होल में, 3 months इन अ होल, 3 months इन अ होल, ये याद रखिएगा। अभी आगे देखते हैं स्केल क्या दिया हुआ है। जहां पर टाइम जो है, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द इम्प्रिजनमेंट शेल नॉट एक्सीड 6 months, जहां पर 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, मतलब जहां पर 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट का है,
ठीक है, वहां पर उसको एक महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकता है. क्या? एक महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकता है. अ टर्म नॉट एक्सीडिंग टू मंथ इफ द इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड सिक्स मंथ एंड शैल नॉट एक्सीड वन ईयर. अगर छह महीने से लेकर के एक साल तक का इम्प्रिजनमेंट उसे मिला है तो कितना है? तो दो महीने है, तो हम उसे टू मंथ्स का जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं. ठीक है, और टाइम नॉट एक्सीडिंग थ्री मंथ्स इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड वन ईयर. अगर एक साल से ज्यादा है, अगर एक साल से ज्यादा है तो हम तीन महीने का दे सकते हैं. ठीक, थ्री मंथ्स दे सकते हैं. ये स्केल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखें, ये तो हो गया, हमें बता दिया कि ये पर्टिकुलर से स्केल्स होगा. अब हमें लिमिट बता रखी है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की. देखो लिमिट में क्या कह रखा है. सेक्शन 12 में बता रखा है, इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जब हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस, किसी भी केस में 14 दिन से ज्यादा का एक समय पर. अब लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अभी तो आपने कहा कि तीन महीने इन होल होना चाहिए. ठीक है, अब ये 14 दिन का टाइम कहां से आ गया? भाई किसी को एक महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर मिली है, ठीक, एक महीने का एग्जाम्पल ले लो, ये एक महीने की अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको मिली है, ठीक है, तो ये जो है 14 दिन के लिए ही जा सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में. क्यों हम ऐसा कहते हैं, क्यों ये लिमिट लगा रखी है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? इसलिए क्योंकि अगर उसको एकदम आइसोलेट कर दिया है तो खुद देखो, जब हम एकदम अकेले रहते हो तो यू फील डिप्रेस्ड, यू फील स्ट्रेस्ड और यू फील क्वाइट लोनली. अलग ही बात है अगर आप इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो तो भी आपको इतना लोनली नहीं रहना चाहिए या एकदम दूर नहीं रहना चाहिए अपने फैमिली वालों से या किसी भी ऐसे पर्सन से जिनको यू लव और यू नो हैव ट्रस्ट इन. बट अभी फिलहाल यहाँ की बात करते हैं, टॉपिक से नहीं भटकते हैं. तो बेसिकली ये इसीलिए किया जाता है ताकि इंसान मेंटली मेंटल ब्लैकनेस में ना चला जाए, ठीक है, और उसको ऐसी कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई मेंटल इशू ना हो जाए. इस वजह से जो है उसको 14 दिन एट अ टाइम इसमें कहा गया है, शैल नॉट एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम. ये बात अब ये याद रखो. ठीक, अब देखो, विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन सच पीरियड्स एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 months, द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days इन एनी 1 month ऑफ द होल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड. भाई 7 days एट अ टाइम दे दो ना, 7 days, ठीक है, 7 days इन एनी 1 month ऑफ द होल. जहां पर देखो, जहां पर 3 महीने से ज्यादा की बात करी गई है, यहां पर जहां पर 3 महीने से ज्यादा है तो इंटरवल में होना चाहिए ये चीज जो है इंटरवल में होनी चाहिए. शैल नॉट एक्सीड 7 days इन एनी 1 month ऑफ द होल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड. एक बार आपने 7 दिन के लिए डाल दिया उसको, फिर गैप दो 7 दिन का, फिर अगले 7 दिन के लिए आप उसको डाल सकते हो. समझे? जो ये सच इंटरवल्स की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर 3 महीने से ज्यादा है इम्प्रिजनमेंट, अगर तीन महीने वाला अगर कहीं पर सिस्टम है, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी रीड इट. एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 3 months, अगर 3 महीने से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट उसको अवॉर्ड हुआ है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है, ये वाले इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है. तो 3 महीने से अगर ज्यादा का उसको इम्प्रिजनमेंट दे रखा है तो 7 दिन एक बार दे दो, ठीक है, महीने में 1 month में आप 7 दिन उसको दे सकते हो. उसके बाद आप गैप लाओ, यहां पर कितने दिन का? 7 दिन का गैप लाओ, 7 days का गैप लाओ, फिर 7 दिन के लिए दे दो. समझ रहे हो? 7 दिन पहले यहां दिया, फिर 7 दिन का गैप किया. लगातार आप नहीं दे सकते कि लगातार आपने 15 दिन उसको दे दिया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये नहीं कर सकते आप. आपने 7 दिन दिया, आप 7 दिन का गैप करिए, फिर आप 7 दिन दीजिए, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है. तो ये हो गया आपका, बस यही जो है लिमिट आपको याद रखनी है कि ये गैप वाला जो सिस्टम है ये आपको समझना है, ठीक है, कि 7 दिन दिया, उसके बाद इंटरवल दिया 7 दिन का, फिर उसके बाद फिर आप जो है 7 दिन बाद उसको डाल सकते हो. देन सेक्शन 13, लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेज वीडियो, एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन. हूएवर बीइंग कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 10 चैप्टर 17 ऑफ दिस संहिता. जो कोई भी पर्सन चैप्टर 10 या चैप्टर 17 के अंदर पनिश किया गया है संहिता में,
पहले से उसको पनिश किया गया है और उसको जो सजा मिली है वो 3 साल या 3 साल से ज्यादा की मिली थी। पिछली बार जो उसको प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया था, प्रीवियसली भाई साहब को जब प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया था तो 3 साल या 3 साल से ज्यादा की उनको सजा मिली थी चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के अंदर। ठीक है, शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर ईदर ऑफ दोज चैप्टर्स विद लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइक टर्म। और फिर से अगर उनको एक बार तो वो कन्विक्ट हो चुके हैं 3 साल या 3 साल से ज्यादा के लिए चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के अंदर, फिर से अगर उनको जो है ऐसा दोषी पाया गया, ठीक है, फिर से सब्सिक्वेंट ऑफेंडर है या आप कह लो हैबिचुअल ऑफेंडर है, फिर से उन्होंने चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के अंदर कोई ऑफेंस किया है जो कि पनिशेबल है 3 साल या 3 साल से ज्यादा तक का, ठीक है, 3 साल या 3 साल से ज्यादा, क्योंकि लिखा हुआ है ना इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ टर्म, ठीक है, शैल बी सब्जेक्ट फॉर एवरी सच सब्सिक्वेंट ऑफेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट टू ईदर ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years। तो अगर आप सब्सिक्वेंट ऑफेंडर हुए फिर से चैप्टर आपका चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में फिर से आपने कुछ ऐसा ऑफेंस किया जो कि पनिशेबल है इन दोनों चैप्टर्स के अंडर 3 साल या 3 साल से ज्यादा का, तो अगर आप सब्सिक्वेंट ऑफेंडर हैं तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है दोबारा सब्सिक्वेंट ऑफेंडर के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि पनिशमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने पनिशमेंट कंप्लीट कर लिया है तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आप देखोगे वो जनरल एक्सेप्शंस पर देखोगे चैप्टर थ्री आपका 14 से लेकर के 44 तक। अब ये हम थोड़ा सा टाइम लेकर के समझेंगे क्योंकि अगर आप जुडिशरी में अपेयर कर रहे हो या आप अपने सेमेस्टर्स दे रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, पनिशमेंट वाला भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जैसे 1/4 वाला मैंने आप लोगों को बताया और पिछली वीडियो में 1/4 वाला आपको बताया था, तो ये सारी चीजें इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बाकी इसमें कुछ खास बहुत नहीं पूछा जाता है बट आपका जनरल एक्सेप्शंस तो हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है तो हम थोड़ा सा टाइम लेकर के इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमारे 4-5 लेक्चर इसमें जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि जितना मैं अब तक पढ़ा चुकी हूं अगर आप लोग साथ साथ रिविजन करते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, चीजें याद होती रहेंगी, बाद में फिर एक साथ कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो अपना ह्यूमन माइंड है वो एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ पाता। ठीक है, एक साथ सब कुछ पढ़ने कहो तो फिर बहुत लेजीनेस होती है, तो उससे बेटर है कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटे 13 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन फिर एक भी मिनट पढ़ाई नहीं करी, एक मिनट जो है किताब भी नहीं उठी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर दिन भर में आप किसी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो 6-7 घंटे अगर आपने एक दिन में पढ़े हैं तो इट इज मोर देन इनफ। वो डिपेंड करता है देखो लोगों की कैपेबिलिटीज पर, अब इस पे तो एक अलग से वीडियो बन सकती है लेकिन ठीक है थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो। मैं हमेशा कहती हूँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 12 घंटे पढ़ करके अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कोई पॉइंट नहीं है 12 घंटे पढ़ने का। आप 6 घंटे पढ़िए 7 घंटे पढ़िए लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं एकदम उसको घोट करके पी जाइए और चाहे आपसे किसी भी तरीके का सवाल उस टॉपिक से पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सके, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स स्टडी। आजकल हार्ड वर्क का जमाना, मैं नहीं कहूंगी कि स्टडीज की तरफ बहुत ज्यादा है, यू हैव टू बी स्मार्ट वाइल डूइंग योर प्रिपरेशन आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच।